सो गाइस यार, एप्पल का मार्च इवेंट जो है वो हो चुका है 8 मार्च को। आज है 9 मार्च जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आज ही के दिन आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। भाई एप्पल ने लॉन्च करे बहुत सारे एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स, आईफोन्स के नए कलर्स, आईपैड और डिस्प्लेस और कंप्यूटर्स, एक नई चिप, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके हर चीज के बारे में बात करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले एप्पल टीवी। जी हाँ गाइस, एप्पल टीवी की हमेशा की तरह एप्पल ने सबसे पहले अनाउंसमेंट करी, क्योंकि एप्पल को भी पता है यार कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। तो ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर यार कई सारी नई सीरीज आ रही है, नए शोज आ रहे हैं, साथ ही साथ इसने कोलैबोरेशन कर ली है फ्राइडे नाइट बास्केटबॉल के साथ भी। हालांकि इंडिया के अंदर इसका उतना कोई सीन रहने नहीं वाला है, क्योंकि यार बेसबॉल कौन ही देखता है इंडिया के अंदर, ठीक है, सही बात है ना। और बाकी इंडिया के अंदर ज्यादा चलता भी नहीं है, क्योंकि यार ये इंडियंस को काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं आईफोन के नए कलर के बारे में। आईफोन 13 के अंदर हमें यहाँ पर नए कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़े से आईफोन 11 वाले कलर्स की मेरे को पर्सनली याद दिलाते हैं। दोनों को साइड बाय साइड तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये कलर्स दोनों ही आईफोन के वेरियंट, प्रो मॉडल्स और रेगुलर मॉडल्स, दोनों ही मॉडल्स के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा प्यारा लगा, और ये वाले कलर को आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, और ये आपको मिल जाएगा 18 मार्च से। अब बात कर लेते हैं आईपैड के बारे में। तो आईपैड एयर 5 जो है एप्पल ने फाइनली लॉन्च कर दिया है, एंड भाई भाई बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है। पुराने वाला आईपैड एयर भी यार अपना अपने प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट आईपैड एयर था, एंड मेरे को यार वो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया था, एंड ये वाला तो यार उससे भी आगे निकल गया है, ठीक है। फटाफट से इसकी स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें M1 चिप देखने को मिल जाती है। भाई साहब डिजाइन चेंज करो ना करो, भाई परफॉर्मेंस तो बूस्ट कर ही देता है एप्पल। तो यार इसके अंदर हमें M1 चिप देखने को मिल जाती है, 2 times ज्यादा ग्राफिक परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अपनी प्राइस रेंज के सारे विंडोज लैपटॉप को भाई साहब ये बीट कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर 2x faster USB-C type port हमें देखने को मिल जाता है, जो कि Apple ने पिछले साल ही introduce कर दिया था, जिससे कि read and write speeds यार और भी ज़्यादा fast रहे। साथ ही साथ 100% recycled material से बना है, जैसा कि मैंने आपको बताया पुराने वाला design एकदम सेम है। साथ ही साथ इसके अंदर 60% ज़्यादा power है अपने पुराने वाले model से, जो कि था A14 bionic chip वाला। तो हाँ भाई, मतलब M1 के अंदर यार कुछ ना कुछ तो बात है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें 5G देखने को मिल जाता है, सेंटर स्टेज देखने को मिल जाता है फ्रंट वाले कैमरा के अंदर, ठीक है। और हाई एंड गेमिंग के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, हालांकि आईपैड के अंदर भाई इंसान कितनी ही हाई एंड गेमिंग कर लेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसके प्राइस की बात कर ले तो मतलब डॉलर्स के अंदर बताऊं तो $599 देखने को हमें यहाँ पर इसका प्राइस मिल जाता है, वहीं इंडिया के अंदर अराउंड 55,000 का ये हमें अवेलेबल हो सकता है। साथ ही साथ इसको भी आप मार्च 18 से परचेज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एप्पल की ब्रांड न्यू माइंड बॉबलिंग चिप के बारे में, वो है यार M1 Ultra। M1 Ultra तो मतलब क्या बोलूं मैं, M1 जो है वो तो था ही बीस, ठीक है। M1 Pro नेक्स्ट लेवल था, M1 Max नेक्स्ट लेवल था, और M1 Ultra अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। इसका मतलब M1 Max से डबल परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है, यानी कि M1 Max से 50% फास्टर हमें यहाँ पर M1 Ultra देखने को मिल जाता है। हालांकि M1 Max जो है वो लैपटॉप के अंदर अवेलेबल था, और M1 Ultra जो है ये अभी के लिए फिलहाल खाली PC के अंदर ही अवेलेबल हुआ है, अभी लैपटॉप मतलब एप्पल ने नहीं निकाला है, इसका मैकबुक नहीं आया, एंड जब आएगा ना फाड़ देगा भाई, फाड़ देगा लिटरली, ठीक है। बात करें इसकी स्पेक्स के बारे में, तो इसके अंदर भाई 20 कोर का CPU देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर से 16 कोर हाई एंड परफॉर्मेंस CPU है, सॉरी CPU कह रहा हूँ, हाई एंड परफॉर्मेंस कोर्स हैं, और 4 हाई एफिशिएंसी कोर्स हैं, जो कि यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, ठीक है। और एप्पल का जो 6-7 लाख का बड़ा सा कंप्यूटर आता है ना, बड़ा सा मतलब PC, ठीक है, जिसको हम मैक प्रो कहते हैं, उससे भी 80 times फास्टर है। मतलब यार परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ 18:8K ProRes वीडियो एडिटिंग हमें यहाँ पर देखने मिल जाती है, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया मैं बता देता हूँ भाई, 8K वीडियो को एडिट करना सिर्फ और सिर्फ अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन पर रखना ही काफी ज्यादा मतलब मुश्किल भरा काम होता है, वही लैपटॉप्स हैंडल नहीं कर पाते हैं, PCs हैंडल नहीं कर पाते, और ये 18
18 लेयर्स हैंडल कर सकता है 8K वीडियो की, तो मतलब भाई अगर तुम्हें पूरी मूवी भी एडिट करनी है तो भी तुम लोग इससे कर सकते हो, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट एप्पल ने लॉन्च किया है वो है भाई साहब मैक स्टूडियो। भाई मैक स्टूडियो इतना ज्यादा जबरदस्त मेरे को लगा, ठीक है, मतलब मैक मिनी के जैसा ही दिखता है, मैक मिनी का बड़ा भाई मान लो, ठीक है। तो मैक मिनी से मतलब परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा है, बट यार लुक्स की बात करें तो मैक मिनी के जैसा हमें देखने को मिल जाता है। 37 इंच की इसकी हाइट है और 77 इंच की वेट है। हालांकि इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाई वो अब भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतने बड़े बड़े पीसीज को बीट कर रहा है यार वो, ठीक है। अब बात करें इसके पोर्ट्स के बारे में, तो यार पोर्ट्स अब एप्पल खुले मन से देने लग गए, जो कि एक अच्छी बात है। सबसे पहले इसके अंदर हमें यूएसबी ए के 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यूएसबी सी के 2 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 4 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, 6GB का 10GB इंटरनेट का पोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है, HDMI पोर्ट है और अच्छी क्वालिटी वाला हेडफोन जैक, अच्छी क्वालिटी वाला मतलब एप्पल ने इसको कुछ टर्म दिया था वो मेरे को याद नहीं आ रहा, वो मतलब छोड़ो ना, मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी वाला हेडफोन जैक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही तगड़ा कूलिंग सिस्टम है जिसकी वजह से ही इसका साइज इतना बड़ा हो गया, नहीं तो यार ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट रह सकता है। इसके अंदर पंखे वंखे लगा दिए, नीचे से हवा लेते हैं पीछे से हवा छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड एप्पल ने खुद कहा है कि आधी बार तो तुम्हें इनके पंखों की आवाज भी नहीं सुननी पड़ेगी, ये इतना फास्ट और इतना अच्छा कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर। साथ ही साथ इसके अंदर 128GB की यूनिफाइड मेमोरी देखने को मिल जाती है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। और 8TB तक की SSD कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि भाई साहब बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। और अगर तुम इसको हाईएस्ट स्पेक्स के साथ खरीदना चाहो तो भाई साहब 800,000 रुपए का खर्चा इंडियन रुपीज के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड भाई मतलब बहुत महंगी बातचीत है भाई, 800,000 के अंदर इंसान गाड़ी खरीद सकता है, ठीक है। इसके अंदर भी हमें 2 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, सबसे पहला है M1 मैक्स वेरिएंट और दूसरा M1 अल्ट्रा वेरिएंट। M1 मैक्स वेरिएंट यहाँ पर $2,000 से शुरू हो जाता है, जो कि इंडियन रुपीज के अंदर अराउंड 1,90,000 है, जिसको हम राउंड ऑफ 2,00,000 लगाकर चलते हैं। और M1 अल्ट्रा वेरिएंट जो है वो $4,000 का देखने मिलता है, मतलब पावर भी डबल तो पैसा भी डबल, ठीक है, समझ रहे हो ना। और इंडियन रुपीज के अंदर 3,90,000 रुपए का यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी कि 4,00,000 रुपए का, जो कि बहुत 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 ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब बात करते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में, तो ये है एप्पल का नया फोन। और इस टाइम पर एप्पल कौन सा फोन लॉन्च करता है वो तुम्हें मुझे सबको पता है, iPhone SE। जी हाँ गाइस, एक नया iPhone SE जो है एप्पल ने फाइनली लॉन्च कर दिया है। लुक एकदम सेम है iPhone 8 जैसी, वही टच ID, ठीक है, और बिल्कुल मतलब वही सेम सिस्टम है, लेकिन इस बारी iOS 15 है और एप्पल ने प्रॉमिस कराया कि आगे आने वाले कई सारे iOS अपडेट्स भी इसके अंदर पुश करता रहेगा एप्पल। साथ ही साथ कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का भी फीचर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। चिप जो है A15 बायोनिक देखने को मिल जाती है, जो कि इस टाइम पर iPhone 13 के अंदर आती है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट है। साथ ही साथ इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका प्राइस अराउंड $429 देखने को मिलता है, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर अराउंड 44,000 का ही आएगा। हालांकि इंडियन मार्केट के सबसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया, अगर ये 35,000 से 40,000 के बीच में लॉन्च होता तो यार एक डील मतलब क्या बोलूं, मतलब बहुत ही जबरदस्त बिकता। हालांकि आगे चल के फोन के ऊपर डील्स आती रहती है, तो अगर इसके ऊपर कोई डील आती है तो भाई ये डेफिनेटली एक किलर फोन निकलने वाला है एप्पल की तरफ से। अब बात कर लेते हैं एप्पल के फाइनल और सबसे महंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो इस वाले प्रोडक्ट का नाम है भाई एप्पल मॉनिटर। हालांकि ये एप्पल स्टूडियो से तो महंगा नहीं है, मतलब लेकिन इसकी प्राइस रेंज के जो भी आते हैं उन सबसे तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्राइस की बात कर लेते हैं, इसका प्राइस है भाई साहब 1,60,000 रुपए का एक मॉनिटर। भाई साहब इंसान का दिमाग खराब हो जाए, 1,60,000 के अंदर भाई वो कितने सारे मॉनिटर खरीद सकता है भाई, 1,60,000 रुपए का लिटरली मॉनिटर, भाई वो एप्पल का मैक ले सकता है भाई इतने में तो, ठीक है। तो चलो स्पेक्स बता देता हूँ इसकी। जी हाँ भाई, मॉनिटर की भी आजकल स्पेक्स आने लग गई है, कमाल की बात है। सबसे पहले तो 5K डिस्प्ले देखने को मिलता है, 4K से भी एक नंबर आगे भाई साहब। 5K 27 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, 27 इंच या साइज थोड़ा सा छोटा है मेरे हिसाब से,
अराउंड 32 इंच तो देना ही चाहिए था यार, अब मतलब इतना प्राइस तुम ले रहे हो तो। हालांकि 5K के हिसाब से 27 इंच भी यार बहुत ज्यादा सही चीज है, ठीक है। साथ ही साथ इसका अगर एडजस्टमेंट वाला स्टैंड चाहिए तो भाई 30,000 और दे देना, ज्यादा नहीं, बस 30,000 के अंदर एक 4K मॉनिटर ही तो आता है और कुछ नहीं, ठीक है। साथ ही साथ 6 स्पीकर का सपोर्ट इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है, स्पेशल ऑडियो देखने को मिल जाती है, बेस वगैरह बहुत ही ज्यादा तगड़ा है इसके स्पीकर्स का, 12 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज सपोर्ट करने वाला कैमरा देखने को मिल जाता है, वही कैमरा जो कि आपको iPad Air 5 के अंदर देखने को मिलता है, A13 बायोनिक चिप इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि चिप आपको iPhone 11 के अंदर देखने को मिलती है, और iPhone 11 की भी पावर भाई कम नहीं है, ठीक है। तो मतलब एप्पल भाई बैंड बजा देता है सबकी, ठीक है। साथ ही साथ 3 माइक्स हमें देखने को मिलते हैं बेस्ट टू बेस्ट माइक क्वालिटी के लिए, साथ ही साथ 3 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और 1 Thunderbolt 4 का भी हमें यहाँ पर पोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर 3 डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो और 1 TV भी कनेक्ट कर सकते हो अगर मैकबुक के साथ मतलब कनेक्ट करना चाहो तो। तो ये था पूरा का पूरा एप्पल इवेंट, ये थे वो सारे के सारे कमाल के प्रोडक्ट जो एप्पल ने लॉन्च करे हैं इस एप्पल इवेंट में मार्च 8 के। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आ गई तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आई हो तो डू सब्सक्राइब, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। खत्म करते हैं इस वाली वीडियो को, चिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज एडियोस।